ये कहानी है एक बहादुर शेर की जो आने वाले भविष्य में जंगल का राजा बनने वाला है। कहानी की शुरुआत में हमें जंगल के राजा मुफासा को दिखाया जाता है। मुफासा के घर में एक नन्हा शेर जन्म लेता है। नन्हे शेर के राज्य अभिषेक और नामकरण के लिए जंगल के सभी जानवरों को दावत के लिए निमंत्रण दिया जाता है। फिर जंगल के सभी जानवर के नामकरण में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद इस छोटे से नन्हे शेर के नामकरण में इसको सिम्बा नाम दिया जाता है। लेकिन सिम्बा के नामकरण में राजा मुफासा का भाई नहीं आता, इसलिए राजा मुफासा अपने भाई के पास जाते हैं। राजा के भाई का नाम स्यार होता है। राजा मुफासा अपने भाई स्कार से पूछते हैं कि वो उसके के राजा अभिषेक में क्यों नहीं आया। स्कार जवाब देता है कि शायद वो भूल गया था, उसे याद नहीं था। लेकिन असल में राजा मुफासा का भाई स्कार नहीं चाहता था कि सिम्बा जंगल का राजा बने, क्योंकि मुफासा के बाद स्कार खुद राजा बनना चाहता है। इसीलिए स्कार सिम्बा से जलता है और जलन की वजह से राजा मुफासा के बेटे के राज्य अभिषेक में नहीं जाता। इस बात से बहुत जलता है कि सिम्बा को राजा क्यों बनाया जा रहा है। अब अगली सुबह सिम्बा जल्दी उठ जाता है और राजा मुफासा सिम्बा को लेकर जंगल की सैर पर निकलते हैं। जंगल की सैर पर चलते चलते अब दोनों एक पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंच जाते हैं। राजा मुफासा सिम्बा को बताते हैं कि जहां तक सूरज की किरणें दिख रही हैं, वो सब हमारा साम्राज्य है और आने वाले समय में तुम इस पूरी गौरव भूमि के राजा बनने वाले हो, और मेरे मरने के बाद तुम्हें ही इस वीर भूमि की रक्षा करनी होगी। तभी सिम्बा कहता है कि क्या वो काली घाटी भी हमारा साम्राज्य है? जिस पर राजा मुफासा कहते हैं कि तुम वहां कभी भूल कर भी मत जाना, वह बहुत खतरनाक जगह है, तुम अभी वहां नहीं जा सकते, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है ताकि तुम इस देश की रक्षा कर सको। इसीलिए अब राजा मुफासा सिम्बा को शिकार करना सिखाते हैं। सिम्बा दिन भर काफी शिकार करता है और शिकार करते करते स्कार के पास पहुंच जाता है। यहां स्कार सिम्बा से कहता है कि शिकार करने के लिए तुम्हें हवा का रुख जानना होगा, लेकिन सिम्बा कहता है कि मुझे शिकार करना आता है चाचू। जिस पर स्कार कहता है कि दूध के दांत अब भी टूटे नहीं, बड़े आए शिकार करने, चुपचाप अपनी गुफा में वापस जाओ। तभी सिम्बा कहता है कि मुझे बाबा ने शिकार करना सिखाया है और उन्होंने मुझे पूरा वीरभूमि का जंगल भी दिखाया, और आने वाले समय में इस पूरे जंगल का राजा बनूंगा, फिर आपको मेरा ऑर्डर भी सुनना पड़ेगा। अब स्कार कहता है, अच्छा पूरा जंगल दिखाया तो काली घाटी भी दिखाई क्या? इस पर सिम्बा कहता है कि नहीं, काली घाटी नहीं दिखाई, बाबा ने कहा कि तुम वहां कभी मत जाना। तभी स्कार कहता है कि बिल्कुल सही कहा, वहां जाना तुम जैसे बच्चों का खेल नहीं है, वो बहुत खतरनाक जगह है, वहां हर तरफ सड़ी हुई हड्डियां और खोलता हुआ दलदल है। सिम्बा कहता है कि क्या आप वहां जा चुके हो? जिस पर स्कार कहता है कि हां, सभी बड़े वहां जा चुके हैं, लेकिन वहां जाना तुम जैसे बच्चों का खेल नहीं है, जाओ अब खेलो। अब सिम्बा अपनी दोस्त माला के पास जाता है और उसे काली घाटी के बारे में बताता है और कहता है कि सब बड़े भी वहां जा चुके हैं, क्या तुम मेरे साथ काली घाटी चलोगी? जिस पर नाला कहती है, काली घाटी बहुत दूर है, हम वह पहले कभी नहीं गए, अगर हम रास्ते में खो गए तो। सिम्बा कहता है कि आज सुबह ही मुझे बाबा ने पूरी वीरभूमि दिखाई है। और अब सिम्बा और माला दोनों ही काली घाटी जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें तरह तरह की सुंदर जगह भी देखने को मिलती है और कई तरह के जानवर भी देखने को मिलते हैं। अब सिम्बा और माला तालाब के पास पहुंच जाते हैं, जिसके आगे काली घाटी होती है। तालाब के पास पहुंचने के बाद इन्हें एक साथ सारे पशु पक्षी देखने को मिलते हैं जो कि यह तालाब में पानी पीने के लिए आए थे। सिम्बा और माला इन्हें देखते हुए आगे बढ़ते ही जा रहे थे और चलते चलते ये दोनों तालाब से भी आगे चले जाते हैं। अब यहां पर कोई भी पशु पक्षी नहीं दिख रहा था, क्योंकि सिम्बा और माला अब खतरनाक काली घाटी में पहुंच चुके थे। माला सिम्बा से कहती है कि आगे खतरा हो सकता है, हमें वापस चलना चाहिए। हां हां, सिम्बा हंसते हुए कहता है कि खतरे को तो मुझसे खतरा है। माला कहती है कि मान लिया कि तुम बहादुर हो, लेकिन अब सूरज डूबने वाला है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। लेकिन सिम्बा कुछ नहीं सुनता और आगे बढ़ता जाता है, और तभी वहां खूंखार लकड़बग्घे आ जाते हैं जो सिम्बा और माला को घेर लेते हैं, और अब एक बहुत बड़ा और भयानक लकड़बग्घा इन दोनों को खाने के लिए आता है। लेकिन ये दोनों वहां से भागते हैं और भागते हुए छोटी छोटी गुफाओं में चले जाते हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं।
लेकिन गुफा से बाहर निकलते ही सभी लकड़बग्घे इन दोनों को घेर लेते हैं। जैसे ही लकड़बग्घे इन दोनों पर हमला करते हैं, तभी वहां पर राजा मुफासा आ जाता है और लकड़बग्घों को उठा उठाकर इधर उधर फेंकने लगता है। डर के मारे सभी लकड़बग्घे वहां से भागने लगते हैं और सिम्बा और माला दोनों बच जाते हैं। सिम्बा और माला दोनों राजा मुफासा के साथ वापस जाने लगते हैं। राजा मुफासा सिम्बा से गुस्से में आकर कहते हैं, सिम्बा, मैंने तुम्हें यहां आने के लिए मना किया था ना, फिर तुम यहां क्यों चले आए? तुमने अपने साथ माला की जान को भी खतरे में डाल दिया। अब आगे से ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी मुफासा का भाई स्कार लकड़बग्घों से जाकर मिल जाता है और उन्हें कहता है कि मुफासा ने शिकार पर बेफिजूल की पाबंदी लगा रखी है। अगर मैं राजा बनता हूं तो तुम सब भर के शिकार कर सकते हो। हर दिन दावत होगी, तुम खुलेआम शिकार कर पाओगे। फिर लकड़बग्घे कहते हैं कि वीर भूमि में मुफासा की इजाजत के बिना कभी शिकार नहीं हो सकता। तभी स्कार कहता है, हमें मुफासा और सिम्बा दोनों को रास्ते से हटाना होगा, तभी मैं वीरभूमि का राजा बन पाऊंगा। अब स्कार फिर से सिम्बा को बहला फुसलाकर घाटी में ले जाता है और कहता है कि अगर यहां तुम दहाड़ लगाते हो तो तुम बच्चे नहीं रहोगे, बहादुर बन जाओगे। यहां तुम्हारे बाबा और सभी बड़ों ने यहां दहाड़ लगाई है, लेकिन ये जगह खतरों से खाली नहीं थी। तभी जंगली भैंसों के झुंड की भगदड़ मच जाती है। स्कार वहां सिम्बा को अकेला छोड़कर भाग जाता है। सिम्बा किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश करता है। तभी राजा मुफासा वहां पर आ जाता है और भगदड़ के बीच में जाकर सिम्बा को कवर देता है और किसी तरह सिम्बा को बचा लेता है, लेकिन भगदड़ में मुफासा बुरी तरह से घायल हो जाता है। घायल होने पर मुफासा पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन ऊपर पहुंचते ही मुफासा कुछ कार मिलता है। स्कार मुफासा की मदद करने की बजाय उसे पहाड़ से नीचे गिरा देता है, जिससे मुफासा की मौत हो जाती। अब सिम्बा ये देखकर काफी डर जाता है और नीचे मुफासा के पास जाता है और उसकी गोद में जाकर लेट जाता है। यहां स्कार आ जाता है और सिम्बा से कहता है कि तुम्हारी वजह से मुफासा की मौत हुई है, तब तुम वापस जाकर अपनी मां और वीरभूमि के लोगों को क्या मुंह दिखाओगे? तुम एक खूनी हो, सिम्बा भाग जाओ यहां से और कभी वापस मुड़कर यहां मत आना। तब स्कार के लकड़बग्घे भी वहां पहुंच जाते हैं और स्कार लकड़बग्घों को सिम्बा को खत्म करने का ऑर्डर देता है, लेकिन सिम्बा किसी तरह से वहां से भागता है और लकड़बग्घे उसे मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं। सिम्बा भागते भागते एक पहाड़ से नीचे खाई में गिर जाता है। लकड़बग्घे सोचते हैं कि सिम्बा मर चुका है और ये सोचकर वापस चले जाते हैं, लेकिन सिम्बा एक पेड़ के नीचे फंस जाता है, जिससे उनकी जान बच जाती है। अब स्कार वीरभूमि में जाकर सबको बताता है कि सिम्बा और मुफासा की मौत हो चुकी है, इसलिए मैं ऐलान करता हूं कि वीरभूमि का नया राजा अब मैं हूं और अब ये लकड़बग्घे भी हमारे साथ रहेंगे। दूसरी ओर सिम्बा भागते भागते बहुत दूर चला जाता है और एक रेगिस्तान में पहुंच जाता है, जहां पर सिम्बा बेहोश हो जाता है। यहां सिम्बा को मांस नोचने वाले गिद्ध घेर लेते हैं। तभी बोम्भा और सैंसी वहां पर आकर गिद्धों को भगाकर सिम्बा की जान बचा लेते हैं। फिर सिम्बा उनसे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो बताते हैं कि हम बोम्भा और सैंसी हैं, हमने ही तुम्हारी जान बचाई है। और फिर सिम्बा इन दोनों के साथ घूमता हुआ एक सुंदर जंगल में पहुंच जाता है, जहां ये सिम्बा को कई खूबसूरत जगह दिखाते हैं और यहां जंगल के सभी जानवर सिम्बा को देखकर डरने लगते हैं। फिर सिम्बा भी उन्हीं की तरह कीड़े मकोड़े खाने लगता है और यह सब आपस में दोस्त बन जाते हैं। और सिम्बा अब इनके साथ जंगल में घूमता है और खाने की तलाश करता था, और देखते ही देखते सिम्बा बड़ा हो जाता है और एक बड़ा शेर बन जाता है। वहीं दूसरी ओर स्कार अंधाधुंध शिकार करने लगा था, और वह शिकार को पहले लकड़बग्घे को खाने के लिए देता था और शेर सिर्फ देखते रहते थे। उन्हें आखिर की बची कुछ ही हड्डियों से अपना गुजारा करना पड़ रहा था। वीर भूमि पूरी तरह बंजर हो चुकी थी। सभी स्कार के यहां के राजा बनने से काफी तकलीफ में थे। तभी माला स्कार से छुटकर वीर भूमि से भाग जाती है और भागते भागते बहुत दूर निकल जाती है और उस जंगल में पहुंच जाती है जहां सिम्बा अपने दोस्तों के साथ रह रहा था। माला जंगल में सिम्बा के दोस्त बोम्भा का शिकार करने के लिए उसका पीछा करने लगती है। तभी वहां पर सिम्बा आ जाता है और माला और सिम्बा के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके बाद सिम्बा को पता चलता है कि वो माला है। दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं और खुशी से झूमने लगते हैं। सिम्बा माला को पूरे जंगल में घुमाता है
और दोनों एक साथ फिर से मिलकर काफी खुश होते हैं। लेकिन माला कहती है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हें वापस वीरभूमि में जाना होगा। जिस पर सिम्बा कहता है कि अब यही मेरा घर है, मुझे यही रहना पसंद है। माला कहती है कि तुम्हें वीरभूमि को बचाने के लिए वापस चलना होगा। स्कार ने पूरी वीरभूमि को बंजर कर दिया है और वह लकड़बग्घों के साथ मिलकर अंधाधुंध शिकार कर रहा है, और तुम्हारी मां भी वहां अकेली है। और स्कार के राजा बनने के बाद उसके अत्याचारों से सभी बहुत दुखी हैं, इसलिए तुम्हें वापस चलना ही होगा। लेकिन सिम्बा वापस जाने के लिए नहीं मानता और माला को अकेले ही वापस लौटना पड़ता है। फिर वो मंकी जिसने सिम्बा का राज्य अभिषेक किया था, वो सिम्बा के पास जाता है और उसे बताता है कि तुम वीरभूमि के राजा हो और तुम्हें उसकी रक्षा के लिए वापस जाना होगा। अब सिम्बा वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है और रास्ते में उसे माला भी मिल जाती है। अब दोनों एक साथ वीरभूमि के लिए निकल पड़ते हैं। इनके साथ बोम्बा और सैंसी भी पीछे पीछे आ जाते हैं। काफी दूरी तय करने के बाद ये वीरभूमि में पहुंच जाते हैं, जहां सिम्बा देखता है कि स्कार सभी शेरों पर काफी जुर्म कर रहा है, उसकी मां को भी तंग कर रहा है और बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है और उसे डरा धमका रहा है। तभी गुस्से में दहाड़ते हुए सिम्बा नीचे आता है। सिम्बा को जिंदा देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और सिम्बा को जिंदा देखकर स्कार भी डर जाता है, जिसके बाद सिम्बा अपनी मां से गले लगता है। लेकिन स्कार सिम्बा को फंसाने के लिए कहता है कि सिम्बा ने अपने पिता मुफासा को मारा है। सिम्बा कहता है कि स्कार झूठ बोल रहा है। इसी बेहस के बीच सिम्बा और स्कार की लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें सिम्बा पहाड़ से नीचे फिसल जाता है और आसमान से बिजली गिरने के कारण जंगल में आग लग जाती है। तभी स्कार सिम्बा के कान में कहता है कि तुम्हारे बाबा को भी मैंने ऐसे ही मारा था। ये सुनकर सिम्बा गुस्से में आकर स्कार के मुंह को दबोचकर ऊपर आ जाता है, जिसके बाद इन दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन लकड़बग्घे भी सिम्बा के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये देखकर सभी शेर भी लकड़बग्घों से भीड़ जाते हैं। साथ में बोम्बा भी बोम्बा को उठा उठा के पटक रहा था। सिम्बा सभी लकड़बग्घों को मार मार कर भगा देता है। ये देखकर स्कार वहां से डर के मारे भाग जाता है और सिम्बा उसका पीछा करते हुए एक पहाड़ पर पहुंच जाता है। तभी इसका कहता है कि मुझे माफ कर दो, तुम अपने ही अंकल को कैसे मार सकते हो। जिस पर सिम्बा स्कार से कहता है, जाओ भाग जाओ और फिर मुड़कर यहां कभी वापस मत आना। स्कार वहां से जाने लगता है, लेकिन धोखे से स्कार सिम्बा के ऊपर आग फेंक देता है और अब दोनों के बीच फिर से भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। और लड़ाई के दौरान स्कार पहाड़ से नीचे गिर जाता है और नीचे सारे लकड़बग्घे पहुंच जाते हैं और सभी स्कार को नोच नोच कर खा जाते हैं, जिसके बाद खूब बारिश होती है और अब जंगल का असली राजा सिम्बा फिर से वापस आ जाता है। और कुछ ही दिनों में पूरी वीरभूमि का जंगल फिर से हरा भरा हो जाता है और सभी जानवर फिर से हंसी खुशी रहने लगते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुराई पर सदा अच्छाई की जीत होती है। आपको सिम्बा का कैरेक्टर कैसा लगा, कमेंट करें। लौटूंगा ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।